हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम देखेंगे बहुत ही ट्विस्ट के साथ अपना फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी का 10वां फिल्म जिसका नाम है फास्ट एक्स। तो फटाफट से शुरू करते हैं। डोमिनिक टोरेटो और उसकी टीम को एजेंसी से एक कंप्यूटर चिप चुराने का रिक्वेस्ट मिलता है जो रोम में ट्रांजिट कर रहे थे। डॉम और उसकी वाइफ लेटी ऑर्टिज अपने बेटे लिटिल बी मार्कस के साथ रह जाते हैं जबकि बाकी टीम रोम में जाती है। लेकिन उसी रात घायल साइफर डॉम के घर पहुंचती है और उसे बताती है कि रेज, जो ड्रग लॉर्ड हर्नन रेज का बेटा है, साइफर के क्रू को उसके खिलाफ कर दिया है, उनके परिवारों को जान से मारने की धमकी देकर। तो अभी वो अकेली पड़ गई है और उसे भी घायल कर दिया है। यही सारी चीज बताते हुए डॉम को बताती है कि वो अभी अपने बाप का बदला लेने के लिए आ रहा है और डॉम के परिवार को सभी को मारने के लिए वो साजिश कर रहा है। लिटिल नोबडी साइफर को कस्टडी में ले जाती है लेकिन डॉम और लेटी को बताती है कि रोम में कोई एजेंसी मिशन पर नहीं है और वो समझ जाते हैं कि दांते ने उसे फंसाया है। डॉम और लेटी टीम को बचाने के लिए निकलते हैं रोम में। दांते टीम को एक ट्रक में बंद कर लेता है जिसमें एक बॉम्ब है लेकिन डॉम और लेटी उनका पीछा करते हैं। बॉम्ब सड़क पर छोड़ दिया जाता है तो डॉम उसे टाइबर रिवर में ढकेल देता है ताकि नुकसान कम हो। लेटी को अरेस्ट कर लिया जाता है और एजेंट एम्स एजेंसी का अभी जो लीडर काम कर रहा है मिस्टर नोबडी गायब होने के बाद यकीन करता है कि डॉम और उसकी टीम बॉम्बिंग के लिए जिम्मेदार है और उनके पीछे एक शिकार शुरू करता है। डॉम के सारे लोगों पर मल्टी मिलियन डॉलर का एक इनाम लगा देता है। लॉस एंजलिस में एक आर्म टीम आती है लिटिल बी को ले जाने के लिए जो डॉम की बहन मिया के देखरेख में था। डॉम का भाई जेकब वहां पर टीम को हराता है और लिटिल बी को पोर्टुगल में एक सीक्रेट लोकेशन पे ले जाता है जहां वो डॉम का इंतजार करेंगे। मिस्टर नोबडी की बेटी तीस डॉम की टीम पर इनोसेंस है, इसके ऊपर वो कन्विंस्ड है और वो गॉड्स आई का यूज करके डॉम को नेपल्स में ढूंढती है और उसे बताती है कि दांते रियो में है। डॉम दांते के सामने आ जाता है, एक रेस के लिए एग्री करता है जहां पे डॉम का दोस्त डियागो और इजाबेल न्यूज भी ज्वाइन करते हैं जो लिटिल बी की लेट मदर एलेना की सिस्टर है। रेस के दौरान दांते को डॉम बताता है कि उसने डियागो और इजाबेल के कार के नीचे बॉम्ब लगाया है और डियागो तक पहुंचने से पहले ही वो बॉम्ब फट जाता है। डॉम इजाबेल की कार क्रैश करता है ताकि वो बॉम्ब डिसलोड हो जाए और वो कार से बाहर जाकर फटे। इसी बीच दांते रेस जीत जाता है। इसी बीच लिटिल नोबडी लेडी को एजेंसी ब्लैक साइड पर ले जाती है और उसे बताती है कि उसे एक घाव लगाना होगा और उसे प्रिजन के बाहर ट्रीटमेंट सेंटर में ले जाया जाता है जहां पर वो साइफर से मिलती है। वो डिस्कवर करती है कि ब्लैक साइड जेल अंटार्कटिका में है और वो एग्री करती है कि उसके साथ मिलकर एस्केप करेंगे। लंदन में डॉम की बाकी टीम डिस्कवर होती है, उनके बैंक अकाउंट्स खाली हो जाते हैं तो वो रोमन पियर्स के हिडन कैश को यूज करके अदर सोर्स एक्वायर करने के लिए रैमसी के दोस्त बॉबी से कंसल्ट करते हैं लेकिन बॉबी उनके आने की खबर इन्फोर्समेंट को दे देता है। डॉम की टीम के ऊपर जो बाउंटी अमाउंट होता है इसके लिए बॉबी उनकी खबर लॉ इन्फोर्समेंट को दे देता है जिसे टीम को डेकर्ड शॉ की हेल्प लेनी पड़ती है। अभी आपको तो पता है कि हान और डेकर्ड का पहले से झगड़ा था तो पहले उनकी लड़ाई होने के बाद डेकर्ड उनकी हेल्प करने के लिए एग्री कर देता है। जब वो जानता है उसकी मदर क्विनी भी फुगेटिव में है तो डॉम उसकी हेल्प करने के लिए वहां पर आ जाता है। एम्स ने डॉम को पकड़ लिया और अरेस्ट कर दिया लेकिन उसकी टीम को डांते के मर्सनरीज ने घेर लिया था। एम्स ने डॉम के साथ मिलकर उनसे लड़ना शुरू किया। लिटिल नोबडी भी मदद करने के लिए वहां पर पहुंच गई लेकिन डांते ने बताया कि उसने इजाबेल को किडनैप कर लिया है। डांते ने लिटिल नोबडी को बुरी तरीके से घायल कर दिया और गॉडसाई उससे चुरा लिया और उसी गॉडसाई से पुर्तगाल में लिटिल बी का पता भी लगाया। जब डांते भाग जाता है तो डॉम ने इजाबेल को बचा लिया। इजाबेल ने डॉम से वादा किया कि वो लिटिल नोबडी को हॉस्पिटल ले जाएगी और एम्स ने डॉम के साथ कोऑपरेट किया कि डांते को रोकने में वो मदद करेगी। डॉम की टीम को पता चला और वो पुर्तगाल की तरफ निकल पड़ते हैं। इसी बीच डांते ने लिटिल बी को किडनैप कर लिया और अपने आदमियों को कमांड दी कि डॉम को और जेकब को वो रोक ले। जेकब ने उन्हें रोकने के लिए अपने आप को यहाँ पर सैक्रिफाइस किया जिसे सारे मर्सनरीज मारे गए और डॉम ने अपने बेटे को भी बचा लिया। इसके बाद डॉम कार लेकर एक डैम पर जाता है और डांते ने उसे दोनों तरफ से ड्रोन ऑपरेटेड सेमी ट्रेलर से फंसा दिया था और उन्हें कुचलने की तैयारी कर ली थी जबकि एम्स का खुलासा हो जाता है कि वो डांते के लिए ही काम कर रहा था और उसने डॉम की टीम का प्लेन भी क्रैश कर दिया। डॉम डैम के ढलान पर उतर गया। उस कंटेनर का बड़ा विस्फोट होने के बाद डॉम और लिटिल बी पानी में सुरक्षित उतर जाते हैं। उसके बाद अंटार्कटिका में लेटी और साइफर ब्लैक साइड से भाग गए और किनारे तक चले जाते हैं जहां एक सबमरीन बाहर आ जाता है और वहां से गीसेल बाहर
आ जाती है जिसको पहले मरा हुआ समझा गया था, उन्हें वो बचा लेती है और वहां से वो निकल जाते हैं। तो दोस्तों इसी तरह फास्ट एक्स फर्स्ट पार्ट का यहाँ पर एंड हो जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वो बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको ऐसे ही मूवी एक्सप्लेन हर वक्त अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेन एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।